Hello everyone, very warm welcome to my channel Earnest Physician. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इश्चेमिक हार्ट डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्यों बोल रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि इस डिजीज़ में हम जिसकी बात करेंगे वो कोरोनरी वेसल्स के रिलेटेड होगी। कोरोनरी वेसल्स क्या होते हैं? जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हार्ट के खुद के टिश्यू और सेल्स को सप्लाई करती हैं, जो वेसल्स उन्हें कोरोनरी वेसल्स कहते हैं। तो अगर डिजीज़ इनके प्रॉब्लम की वजह से हो जाए तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इश्केमिक हार्ट डिजीज़ होता क्या है, व्हाट इट इज़। इट इज़ अ कंडीशन, ये कंडीशन होता है जिसमें इम्बैलेंस हो जाता है किसके बीच में, मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई, यानी कि मायोकार्डियम जो टिश्यू है, मायोकार्डियल के जो सेल्स हैं, हार्ट के जो सेल्स हैं, उनकी ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ये जो अपने सेल्स होते हैं मायोकार्डियम के, यानी हार्ट के जो सेल्स होते हैं, उनकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि या तो ब्लड सप्लाई नैरो हो गई होंगी, ब्लड सप्लाई या तो सिकुड़ गई होंगी वेसल्स, ठीक है, जो सप्लाई कर रही होंगी हार्ट के सेल्स को, वो सिकुड़ गई होंगी या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई होंगी। ठीक है, उसके वजह से इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में, और उसकी वजह से ये डिजीज़ अराइज होती है। इश्केमिक हार्ट डिजीज़ एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी डिजीज आती हैं। मेनली तो हम एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, ये आते हैं। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में। हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एनाटॉमी देखना, बिकॉज अगर ये हमें पता रहेगा तो हमें आगे समझ में आएगा कि ये जैसे हम कोई भी डिजीज़ को रेफ़र करेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस ऑर्गन की बात करें, उसका एनाटॉमी क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले ये देखो, ये है हार्ट, ठीक है, इससे असेंडिंग ओटा होती है, ये तो हमें पता ही है। ओटा निकल रही होती है, किससे निकलती है, यहाँ राइट होता है, इस तरफ लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा निकल रही थी प्योर ब्लड को लेकर के। तो ओटा से ही प्योर ब्लड की ब्लड सप्लाईज की ये वेसल्स बनती है। किस लिए बनती हैं? ये हार्ट की ब्लड वेसल्स, और मतलब हार्ट के जो सेल्स होते हैं उनको सप्लाई करने के लिए। तो असेंडिंग ओटा, असेंडिंग मतलब जो ऊपर जा रही है, ऊपर जाने वाली जो ओटा होती है उससे एक ब्रांच निकलती है, दो राइट तरफ को जो निकल रही होती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी, तो जो लेफ्ट को होती निकलती है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो भी फर्दर डिवाइड हो रही होती है। ये तो हमने एंटीरियरली हार्ट सप्लाई देख लिया, अब पोस्टीरियरली देखते हैं कैसा होता है। पोस्टीरियरली हमें ये याद रखना है, ये सेम वही ओटा है, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये सुपीरियर वेना कैव है जो राइट एट्रियम में आकर के खुलता है, ठीक है। तो पीछे से भी हमने यहाँ देखा, ये राइट कोरोनरी आर्टरी ये जा करके पीछे ही ये मुड़ जाती है जो कि पोस्टीरियरली सप्लाई कर रही होती है। तो यहाँ से ये राइट कोरोनरी आर्टरी आ गया, क्योंकि हम पोस्टीरियरली बात कर रहे हैं। एंटीरियरली यहाँ पे इस तरफ राइट था और इस तरफ लेफ्ट था। अब अगर पोस्टीरियरली बात करें इनकी, अब हम इसे उल्टा कर दें तो इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा और इस तरफ राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे मुड़ करके यहाँ सप्लाई कर रही हो और यहाँ सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगी, ठीक है, ये तो ब्लड सप्लाई होगी। अब हम देखते हैं कि इश्केमिक हार्ट डिजीज में मेनली सबसे पहले कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती है, वो होती है एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अब जैसे हमने बोला कि जो वेसल्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, या तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है या तो वो नैरो हो जाती हैं। तो ज़्यादातर हमें जो मेन रीज़न देखने को मिलता है वो होता है लिपिड या फैट का डिपॉजिशन हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हो इसमें नॉर्मल ल्यूमेन है, यानी कि इसमें जो होल है उसकी ओपनिंग जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, इसमें अभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ओपनिंग है। लेकिन जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई बॉल आके अटक गया या फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ओवरग्रोथ होने लग गई, तो ये क्या हो जाएगा, जो ल्यूमेन इतनी थी वो छोटी हो जाएगी। जैसे इसमें देखो, ये नॉर्मल ल्यूमेन है, अगर यहाँ पर कोई ओवरग्रोथ हो गई तो ये ओवरग्रोथ ने क्या किया, ल्यूमेन को छोटा कर दिया, ठीक है, ओपनिंग को छोटा कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं अपने जो नले, घर के जो नल होते हैं उसमें, जैसे जहाँ फ्लोराइड या क्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है तो नल में कभी कभी फ्लोराइड और क्लोराइड जो होता है वो जमा हो जाता है। तो आपने देखा है नल से जो होता है पानी आना आना धीरे धीरे हो जाता है, जो थी स्पीड कम हो जाती है, फिर हमें देखना पड़ता है नल खोल करके सफाई करनी पड़ती है, तब हमें पता चलता है कि इसमें इतना क्लोराइड और फ्लोराइड जमा हुआ था। इसी तरीके से अपनी जो आर्टरीज होती हैं उसमें फैट जमा हो जाता है और उसके वजह से ल्यूमेन छोटा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ के जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती है वहाँ के सेल्स को, हार्ट के सेल्स को, फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं। आगे पढ़ते हैं हम।
अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या रीज़न होती है, क्या कॉजेज होते हैं इश्केमिक हार्ट डिजीज़ के। ठीक है, सबसे मेन रीज़न होता है कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल या फैट का डिपॉजिशन हो जाना जिससे ल्यूमेन छोटा हो जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल या फैट डिपॉजिट हो गया जिसकी वजह से ल्यूमेन छोटा हो गया, या तो नैरो हो गया, ल्यूमेन नैरो हो जाना, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन तो फर्दर सुपर एयर चेंजेस की वजह से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व हो रही है वो ये होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच होती है, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये ब्रांच। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, और कभी कभी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्या सुप्रा एडेड चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि कोरोनरी एथरोस्क्लेरोसिस तो है ही, पर उसके साथ साथ और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे कॉम्प्लिकेट हो जाए इश्केमिक हार्ट डिजीज। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लाक है या जो कोरोनरी एथरोस्क्लेरोसिस से जो प्लाक है, जो फॉर्मेशन हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन, वो रप्चर हो जाए, तो उसके वजह से क्या होगा, हिमरेज हो जाएगा। ठीक है, या तो हो सकता है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो वेसल था उसमें, यहाँ तो इसने अभी वो किया नैरो कर दिया, और अगर ये जो थ्रोम्बस है ये यहाँ से डिटैच होकर के किसी और वेसल में जा करके उस वेसल को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। ठीक है, वेसल्स की फ्लो को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। फॉर एग्जांपल ये वेसल है, अगर ठीक है ये वेसल है, और अगर कोई थ्रोम्बस ट्रैवल करके आया है यहाँ पर, और इतना बड़ा थ्रोम्बस था कि इसने इस वेसल को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ की आगे की ब्लड सप्लाई रुक गई, तो ऑब्स्ट्रक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है ये, तो कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस भी कर सकता है ये। ठीक है, और आर्थराइटिस भी कर, आर्थराइटिस की वजह से भी इश्केमिक हार्ट डिजीज़ देखने को मिल सकता है। आर्थराइटिस मतलब कि आर्टरीज़ का इन्फ्लेमेशन हो जाना। ठीक है, और एम्बोलिज्म में भी देखने को मिल सकता है, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे वो ब्लड वेसल को, एम्बोलिज्म, एम्बोलाई, तो उसके वो भी इश्केमिक हार्ट डिजीज़ को प्रोवाइड मतलब बढ़ावा दे सकता है, या इश्केमिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट कर सकता है डिजीज़ को, हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे थ्रोम्बोटिक डिजीज़ होते हैं जिसमें हाइपरकोएगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड हो जाता है, यानी कि ब्लड इतना ज़्यादा थिक हो जाता है, उसकी क्लॉटिंग फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है फ्लोइंग ब्लड भी कोएगुलेट होने लग जाता है, थक्कों में जमने लग जाता है। तो जैसे ब्लड निकल रहा है, अगर वो थक्कों में जमने लग रहा है, तो वो क्या करेगा, छोटी जो माइक्रो वेसल्स होती हैं उसमें क्या कर देगा, वो वहाँ पर जा करके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा वेसल्स को। ठीक है, तो हाइपरकोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड भी कभी कभी बढ़ जाती है थ्रोम्बोटिक डिजीज़ में, तो वो भी इश्केमिक हार्ट डिजीज़ को बढ़ावा देती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रॉमा की वजह से हो जाए, कोई चोट लगने की वजह से हो जाए। ठीक है, कई बार एन्यूरिज्म की वजह से भी इश्केमिक हार्ट डिजीज़ की कंप्लेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स की, क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से इश्केमिक हार्ट डिजीज़ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये कुछ ऐसे होते हैं रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाइबल हैं, यानी कि जो हमारे हाथ में है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग से हमें पता है वेसो कंस्ट्रक्शन होती है, और जो वेसल्स होते हैं उनमें उनकी माइक्रोवेस्कुलर इंजरी होती है, तो वो ज़्यादा प्रोन होती हैं वहाँ पे प्लैक का फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो स्मोकिंग बहुत इंजीरियस होती है। और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में LDL होता है लो डेंसिटी लिपिड, और HDL होता है हाई डेंसिटी लिपिड। H इज़ हाई में G आ रहा है, तो G इज़ गुड। इसका मतलब कि अगर HDL ज़्यादा है, मतलब HDL है अच्छा गुड अमाउंट में, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, HDL इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन LDL इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो LDL की जो बॉर्डर लाइन वैल्यू होती है वो 130 टू 159 मिलीग्राम पर डीएल होती है, और HDL की जो वैल्यू होती है वो 160 टू 189 mg पर डीएल होती है। ठीक है, और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, BP अगर आपका मोर देन 140/90 mmHg है, तो आपको इश्केमिक हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं, लेकिन इतना भी नहीं, मतलब ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉज नहीं कर रहे हैं, ये स्लोली कॉज में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है इश्केमिक हार्ट डिजीज़ को प्रोवाइड और आगे बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है, आप फिजिकल इनएक्टिविटी भी नहीं कर रहे तो भी आपकी बॉडी में जो लो डेंसिटी लिपिड होता है, यानी कि जो बैड लिपिड होता है, वो डिपॉजिशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ओबेसिटी भी इसमें रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस और डाइट, डाइट में लो विटामिन सी या फिर लो विटामिन ई डाइट अगर आप ले रहे हो तो भी आप प्रोन होते हो इन डिजीज़ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें क्या होता है, एज की बात करें तो मेल्स में ज़्यादा ये कॉमन होता है इश्केमिक हार्ट डिजीज़ देखने में, ज़्यादा में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये हमें बिफोर 45 ईयर्स ही देखने को, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स तक देखने को मिल जाती है, और वहीं फीमेल्स में अप टू 55 ईयर्स हमें कंप्लेंट्स देखने को मिलती है।
ठीक है, तो मेल जेंडर हो गया नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में, और फैमिली हिस्ट्री अगर है तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस डिज़ीज़ के लिए, साथ ही साथ जेनेटिक फैक्टर्स। जैसे हमने बोला कि इश्केमिक हार्ट डिजीज़ एक ब्रॉड टर्म है, तो इसके अंदर और फर्दर डिजीज़ आती हैं। हो सकता है इश्केमिक हार्ट डिजीज़ एसिम्टोमेटिक हो, या तो एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, या फिर क्रोनिक इश्केमिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है, या फिर सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। ठीक है, ये सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन जनरल, अगर इश्केमिक हार्ट डिजीज़ अगर हमें है तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। जनरल इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो हम करा सकते हैं सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस में मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट की क्या हिस्ट्री रही है, वो क्या कंप्लेंट्स लेकर के आ रहा है वो, और साथ ही साथ इसके फिजिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, और हम ECG करा सकते हैं। ठीक है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल और एक्टिविटीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, और कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, और रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, ये सारे हम डायबिटीज़ के चेक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकते हैं, कार्डिक एंजाइम कर सकते हैं जिसमें TROP-T, TROP-I, CK-MB हो सकती है, BP का मेजरमेंट कर सकते हैं हम। और इन जनरल अगर मैं मैनेजमेंट देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे, यानी कि जो भी स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस था, ये सारे अवॉइड करने चाहिए। साथ ही हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जो रिच इन विटामिन सी और विटामिन ई हो, और फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा वेट है वो लूज़ ऑन करना चाहिए, और डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें, और बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले सकते हैं। और अगर एंड डिजीज़ है या फिर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है, अब सर्जिकल करना पड़ेगा इंटरवेंशन, तो उसमें हम कोरोनरी स्टेंट प्लेसमेंट कर सकते हैं, जिससे जो वेसल्स जो हैं जो कंस्ट्रक्ट हो गई हैं उसमें एक स्टेंट का प्लेसमेंट कर देते हैं, जो कि उस वेसल्स को वापस रिकॉइल या कंस्ट्रक्ट होने से रोकता है। ठीक है, और या तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, यानी कि जहाँ की वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो चुके हैं, जो एरिया सप्लाई करने वाला जो वेसल था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, तो दूसरी वेसल से वहाँ की एरिया को सप्लाई बना देंगे। ठीक है, बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, या फिर एथेरेक्टॉमी कर सकते हैं, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया इश्केमिक हार्ट डिजीज़ इन जनरल। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं जिसमें हम कवर करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।